गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 9 भव्य भगीरथी के अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर करवाएंगे। सबसे पहले इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिए। अब इसका प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक पदेन उत्तरत, गंगा कुतः संभूतः। गंगा कुतः संभूतः, तो कुतः आप हटा देंगे, गंगा हिमाद्रे संभूतः। अगला प्रश्न है बच्चों, तीर्था नाम पति कह, तो तीर्था नाम पति कह हटा के प्रयागराज। अगला प्रश्न है, गंगाया पयह काभी बहुदूरं व्रजति, तो आप काभी उसमें से हटा दीजिए। गंगाया पयह पुल्याभि बहुदूरं व्रजति। अगला प्रश्न है बच्चों, गंगाया गभीरे नीरे तरणीशु के सुखम यान्ति, तो इसमें आप के हटा दीजिए। तो गंगाया गभीरे नीरे तरणीशु पथिकः सुखम यान्ति। अगला प्रश्न है, भागीरथी कान पुन्नति, तो भागीरथी कान हटा दीजिए, लोकान पुनाति पुन्नति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। गंगा तटे कानि प्रसिद्धानि नगराणि स्थितानि, गंगा के तट पे कौन कौन से प्रसिद्ध नगर स्थित हैं, तो गंगा तटे प्रसिद्धानि नगराणि स्थितानि हरिद्वार काशी प्रयागराज च। गंगा तटे हरिद्वार काशी प्रयागराज च प्रसिद्ध नगराणि स्थितानि। अगला प्रश्न है, गंगा जलात सिक्तम क्षेत्रम कीदृशम भवति, तो इसमें बच्चों आप कीदृशम हटा दीजिए। गंगा जलात सिक्तम क्षेत्रम हरितम चापि भवति। अगला प्रश्न है बच्चों, गंगा कीदृशी जलई भारत भुवम सिंचति, तो यहाँ कीदृशम कीदृशी हटा दीजिए। गंगा मधुमयी जलई भारत भुवम सिंचति। अगला प्रश्न है, भागीरथ्या उत्संगेन के शिशु एव खिलंती, तो के हटा दीजिए, वहाँ लिखिए भागीरथ्या उत्संगे मनुजा शिशु एव खिलंती। प्रश्न नंबर 4, इसमें आपको संधि विच्छेद करना है। पहला है मे अन्य, तो मेधन अन्य। अगला है तवो संगे, तो तव धन उत्संगे। इसके बाद है मधुमय जलद भारत भुवम, तो मधुमय जलय धन भारत भुवम। अगला है तवेदम तव धन इदम। अब बच्चों, अगला आपको संस्कृत भाषा